नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिनभर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में गैंग बनाकर गोवंश का अपराध कारित करने वाले 6 अपराधियों के विरुद्ध गोला थाने की पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए SP साउथ जितेंद्र कुमार ने बताया कि गैंग बनाकर गोवंश का अपराध कारित करने के अपराधों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में गैंग लीडर गोलू पुत्र ओम प्रकाश व सह अभियुक्त अवधेश कुमार, फैजान, मोनू उर्फ नूर मोहम्मद, मुंशी उर्फ औरंगजेब व चिरक उर्फ नजरे आलम के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इनके द्वारा अपराध से अर्जित की हुई संपत्ति की जानकारी कर उसकी भी कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए SP साउथ जितेंद्र कुमार ने कहा, जनपद गोरखपुर में SSP सर के द्वारा अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जो लगातार अभियान चलाया जा रहा है, उसी के क्रम में थाना गोला पर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है। इस अभियोग में जितने भी अभियुक्त हैं वो पूर्व में गोवंश की तस्करी में संलिप्त रहे हैं और ये गैंग बनाकर गोवंश की तस्करी करते थे। इन सबके विरुद्ध नियमानुसार जिलाधिकारी महोदय के द्वारा गैंग चार्ट का अनुमोदन प्राप्त करते हुए आज थाना गोला पर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है और इन सभी अभियुक्तों की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को चिन्हित करके उसकी जब्तीकरण की कार्यवाही भी की जाएगी और इसमें अब आगे विधिक कार्यवाही की जाएगी।